यहाँ तो टक्सीडो बड़ा पेचीदा शब्द लगता है मुझे। ये पहली बार मैंने केसी भैया के ब्लॉग में आज से 7 साल पहले सुना था। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुद का टक्सीडो पहनने वाला हूँ एक बहुत बड़े इवेंट के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखिए, रूम देख के तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि मैं फिलहाल अपने घर पे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं हूँ कहाँ, क्यों ना हम ये जान लें कि अचानक ये टक्सीडो इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया। जो हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, ये कॉन्टेक्स्ट उनके लिए है। वैसे पिछले साल मैं नेपाल आया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने वर्ल्ड व्लॉग चैलेंज में। 10 बड़े व्लॉगर्स ने अलग अलग कंट्री से इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। लगभग 100 किलोमीटर का ट्रैक एवरेस्ट बेस कैंप तक का हमने साथ में पूरा किया। पहले टॉप 5 और फिर अब टॉप 3 तक पहुंच गए आपके कैमरा वाले भैया। The winner position will be revealed at the award ceremony in the presence of jury members and honorary chief guest. Thank you for all. अरे भाई ये क्यों कर रहे हो? तो 15 अक्टूबर को काठमांडू में इस चैलेंज का रिजल्ट आने वाला है। और उस इवेंट के लिए मेरे पास एक मैसेज आया था कि ब्रिंग योर ब्लैक टक्सीडोज फॉर द इवेंट। अब आप ही बताइए कि हम बिना टक्सीडो लिए कैसे रह सकते थे। पर उससे पहले मैं और शिवांग आरुषि को एयरपोर्ट ड्रॉप करने पहुंचे। तो हम आरुषि को छोड़ रहे हैं। आरुषि का जैकेट देख के आप समझ सकते हैं कि आरुषि कहीं ठंडी जगह में जा रही है। जन्नत में जा रही है यार मैं। देखो नया नया ट्रॉली बैग ले लिया, अभी मुझे याद है कि मुझे भी ट्रॉली बैग लेना। मैं पिछले 5 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और आपने मुझे कभी किसी ट्रॉली बैग के साथ नहीं देखा होगा। यूजली रक्सैक या फिर नॉर्मल शोल्डर बैग ही रहता है मेरे पास। बट मुझे पता चला कि टक्सीडो को आप ऐसे नॉर्मल शोल्डर बैग में तो ले जा नहीं सकते क्योंकि खराब हो जाएगा ना। गाइस हैवी से टेंपरेरी फाइनल गुड बाय। ये जैकेट जी। हाँ, तो फिर हम आप पहुंचे गुड़गांव के एम्बियंस मॉल टक्सीडो और बाकी का सामान लेने। देखिए, ये सारा काम करके मैं रात को 10 बजे घर पहुंचा। देखिए, सोचा तो ये था कि हम घर आके वीडियो एडिट करेंगे, पर कभी जो आपने सोचा है वो इतने आराम से संभव हुआ भी है? देखिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी फ्लाइट थी और अभी तक हमने पैकिंग वाला कार्यक्रम बैठाया भी नहीं था। एक काम करते हैं, जब तक भैया जी पैकिंग में व्यस्त है, हम आपको एक छोटा सा किस्सा बतला देते हैं। देखिए, हमारे हाथ में जब से ये ड्रोन आया है, खतरनाक चस्का चढ़ गया हम पे इसका। पर एक दिक्कत है, ठंडी वादियों में 3 बैटरी भी कम पड़ जाती है। ऐसे में वापस दिल्ली आकर मैंने सोचा क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज ऑर्डर की जाए, पर कई सारे फोन घुमाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। अंत में एक ही रास्ता बचा मेरे पास कि मैं इसे US की वेबसाइट से मंगाऊं। अब जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो ये मेरे नॉर्मल कार्ड से $280 का दिखा रहा था, और जैसे ही मैंने अपना नियो ग्लोबल कार्ड यूज किया, मुझे 2000 रुपीज लेस अमाउंट शो हुआ। और ये सब मुमकिन हुआ नियो ग्लोबल कार्ड के 0 forex मार्कअप फीस की वजह से। साथ ही इस कार्ड से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज में फ्री एक्सेस भी मिलता है, इसलिए अगली बार एयरपोर्ट 2 घंटे पहले जाने का सोच रहा हूँ मैं। ये कार्ड वैसे 150 से ज्यादा कंट्रीज और 100 से ऊपर करेंसीज में काम करता है। देखिए, हमारी बैटरीज तो कल तक डिलीवर हो जाएंगी, पर आप बताइए कि आप कब अप्लाई कर रहे हैं नियो ग्लोबल कार्ड के लिए। देखिए, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट की सिर्फ एक ही दिक्कत है कि रात भर चैन की नींद आती ही नहीं है। ये और ये 2 मेन बैग हैं हमारे, इसमें सारा कपड़ा और जो भी जैकेट्स वैकेट्स हैं, और इसमें सारा कैमरा और लैपटॉप का सामान है। Something so good. Something so good.
हाँ जी, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ कैसे आ पहुंचे। अब अगर आप काठमांडू से हैं और आपने मन बना लिया है मुलाकात करने का, तो जी हाँ, तो 17 अक्टूबर की शाम 4 बजे फ्री रहिएगा। नेपाल टूरिज्म बोर्ड हॉल में हम एक छोटा सा मीटअप रख रहे हैं, तो आप जरूर आइएगा, हम आपका दर्शन कर लेंगे और आप हमारा दर्शन कर लीजिएगा।